वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 27 जून 2019 और 27 जून 2019 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थ सेवन और तस्करी निरोध दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 26 जून को अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थ सेवन और तस्करी निरोध दिवस मनाया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब तुरंत माइंड में क्लिक कर जाना चाहिए कि आखिर ये अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थ सेवन और तस्करी निरोध दिवस मनाया क्यों जाता है? तो जो नशीली दवाएं होती हैं उनका दुरुपयोग होता है, तो नशीली दवाओं के दुरुपयोग पर रोकथाम के लिए हर साल 26 जून को ये अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थ सेवन और तस्करी निरोध दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इस बार के अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थ सेवन और तस्करी निरोध दिवस की थीम क्या है? तो इस बार की थीम है हेल्थ फॉर जस्टिस, जस्टिस फॉर हेल्थ। तो ये थीम भी आपको याद रखनी है। वर्ल्ड ड्रग डे भी कहते हैं इसे, और इसकी थीम आपको याद रखनी है। क्या है थीम? हेल्थ फॉर जस्टिस, जस्टिस फॉर हेल्थ। तो इतना आपको इस क्वेश्चन से जानकारी मिलती है। अब ये इंपोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो जून में अभी तक जितने भी इंपोर्टेंट डे बनाए गए हैं मैं आपको बिल्कुल सिक्वेंस में बताता हूं और आपको भी इसी सिक्वेंस में याद होने चाहिए। जून में पहला इंपोर्टेंट डे कौन सा मनाया गया था? 1 जून, और 1 जून को क्या था? वर्ल्ड मिल्क डे। उसके बाद आया था 2 जून, 2 जून को मनाया गया था तेलंगाना राज्य गठन दिवस, क्योंकि 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर भारत का 29वें नंबर का राज्य बना था तेलंगाना, इसीलिए हर साल 2 जून को मनाया जाता है तेलंगाना राज्य गठन दिवस। उसके बाद आया था 3 जून, 3 जून को मनाया गया था वर्ल्ड साइकिल डे। उसके बाद आया 4 जून, और 4 जून को क्या मनाया गया था? बाल यातना एवं अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस। उसके बाद आया था 5 जून, और 5 जून को आप जानते हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है, लेकिन 5 जून को ही एक और इंपोर्टेंट डे मनाया जाता है, अवैध गैरकानूनी और अनियमित मत्स्य पालन के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये भी 5 जून को मनाया जाता है। उसके बाद आया था 7 जून, और 7 जून को क्या मनाया गया था? वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। उसके बाद आया 8 जून, और 8 जून को मनाया गया था वर्ल्ड ओशियन डे। उसके बाद आया था 12 जून, और 12 जून को क्या मनाया गया था? विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। उसके बाद आया 15 जून, 15 जून को क्या मनाया गया था? विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार दिवस। उसके बाद आया था 17 जून, और 17 जून को क्या मनाया गया था? विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस। ये दिवस आपको इसी सीक्वेंस में याद होने चाहिए। आप आंख बंद करके सारे इंपोर्टेंट डे एक सांस में बोल जाओ, इतनी हैबिट आपकी बन जानी चाहिए, इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। तो ये याद तभी होंगे जब हमेशा आप रिवाइज करते रहोगे। कोई भी इंपोर्टेंट डे आए आप तुरंत रिवाइज करिए, आपको ऑटोमेटिकली इसी सीक्वेंस में याद हो जाएंगे जिस सीक्वेंस में मुझे याद है। अच्छा, 17 जून के बाद कौन सा आया था? 18 जून, 18 जून को क्या मनाया गया था? गोवा क्रांति दिवस। और 18 जून के बाद क्या आया? 20 जून, 20 जून को मनाया गया वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। उसके बाद आया 21 जून, 21 जून को मनाया गया था इंटरनेशनल योगा डे, और 21 जून को ही एक और इंपोर्टेंट डे मनाया गया था वर्ल्ड म्यूजिक डे। उसके बाद आया 23 जून, और 23 जून को मैंने आपको तीन इंपोर्टेंट डे बताए हैं, एक था संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस, दूसरा था वर्ल्ड विडोज दिवस, तीसरा था इंटरनेशनल ओलंपिक डे। तो ये तीन डे बनाए गए 23 जून को, और अब ये 26 जून को मनाया गया है अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थ सेवन और तस्करी निरोध दिवस। तो ये इंपोर्टेंट डे आपको इसी तरह याद हो जाने चाहिए, इतनी प्रैक्टिस आप कर लो कि आप भूलो ही ना, लेकिन ये प्रैक्टिस आपको करनी है। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो, आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने यूएनएससी में गैर स्थायी सीट जीती है? तो अभी अपने देश भारत ने अगले 2 सालों के लिए
यूएनएससी में एक गैर स्थायी सीट जीत ली है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, ये जो यूएनएससी लिखा है इसके बारे में पता होना चाहिए। यूएनएससी की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि यूएनएससी के पांच जो परमानेंट मेंबर हैं वो कौन है। पांचों परमानेंट मेंबर आपको याद होने चाहिए। P5 कंट्री कहते हैं। P5 कंट्री कौन सी है? यूएस, यूके, फ्रांस, रसिया और चाइना। ये P5 कंट्री है। कौन कौन सी? यूएस, यूके, फ्रांस, रसिया, चाइना। ये P5 कंट्री का नाम आप याद रखिए। और अब अगले 2 सालों के लिए यूएनएससी की गैर स्थायी सीट जीत ली है अपने देश भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा। तो अभी नीति आयोग ने एक हेल्थ इंडेक्स जारी किया है और इस बार के नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक में केरल टॉप पर रहा है। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब केरला टॉप पर रहा है, तो ये है मैप में केरला। केरला की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरला के चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनरई विजयन। और केरला के प्रेजेंट एमपी गवर्नर कौन है? पी सदाशिव। अच्छा, कल ही मैंने आपको केरला से रिलेटेड एक क्वेश्चन बताया था। इंडिया का पहला सोलर क्रूज लॉन्च किया जाएगा केरला में। और हमेशा मैं आपको बोलता हूं, केरल का नाम सुनते ही तुरंत माइंड में 2 इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ जाने चाहिए। एक शांत घाटी कहाँ है, ये बहुत पूछा जाता है, ये केरल में है। और एक पेरियार वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, ये भी बहुत पूछा जाता है, ये भी केरल में है। और जब भी आप शांत घाटी सुनते हैं ना, तो तुरंत माइंड में फूलों की घाटी भी आनी चाहिए। और फूलों की घाटी कहां पे है? उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मैटे फ्रेडरिकसेन किस देश की नई प्रधानमंत्री बनी है। तो अभी मैटे फ्रेडरिकसेन डेनमार्क की नई प्रधानमंत्री बन गई है। यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। ये है मैटे फ्रेडरिकसेन और ये डेनमार्क की सबसे यंग प्राइम मिनिस्टर बनी है। तो इनका नाम आप याद कर लीजिए। अब ये डेनमार्क की प्राइम मिनिस्टर बनी है, तो मैप में भी पता होना चाहिए कि आखिर डेनमार्क है कहां। ये है मैप में डेनमार्क। डेनमार्क की कैपिटल क्या है? कोपेनहेगन। डेनमार्क की करेंसी क्या है? डेनिश क्रोना। और डेनमार्क की अब नई प्राइम मिनिस्टर तो यही बन गई है, मैटे फ्रेडरिकसेन। तो इनका नाम आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पद्मश्री विजेता मोहन रानाडे का निधन हुआ है, वे किस राज्य के थे। तो मोहन रानाडे, इनको पद्मश्री मिला था और ये स्वतंत्रता सेनानी भी थे, इसलिए इनका नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये गोवा के थे। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये थे मोहन रानाडे, ये स्वतंत्रता सेनानी भी थे यानी कि फ्रीडम फाइटर थे और पद्मश्री विजेता भी थे। अभी इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटेन भारत संबंधों को आगे बढ़ाने वाली 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं में कौन शामिल हुई है। तो अभी ब्रिटेन भारत संबंधों को आगे बढ़ाने वाली 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं में शामिल हुई हैं हमारी प्रेजेंट टाइम की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आपने ध्यान दिया, मैंने निर्मला सीतारमण ना बोल के प्रेजेंट टाइम की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोला। ये हैबिट आपके अंदर भी डेवलप हो जानी चाहिए। मैं आपको हमेशा बोलता हूं, जितने भी मिनिस्टर हैं उनकी मिनिस्ट्री का नाम उनके नाम से पहले लगा के बोलो, आपको ऑटोमेटिकली सारे मिनिस्टर याद हो जाएंगे। तो जब भी आप निर्मला सीतारमण बोलें, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण बोलें या फिर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोलें। और निर्मला सीतारमण से एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये स्वतंत्र भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री बनी है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई एग्जाम में आगे आने वाले टाइम में पूछा जाएगा, क्योंकि पिछले बार के लोकसभा में ये स्वतंत्र भारत की पहली पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री बनी थी और इस बार ये स्वतंत्र भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला दक्षिण पश्चिम रेलवे का पहला स्टेशन कौन सा बना है। तो अभी ISO सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला दक्षिण पश्चिम रेलवे का पहला स्टेशन बन गया है मैसूर। यानी किस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। मैसूर रेलवे स्टेशन ISO सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला दक्षिण पश्चिम रेलवे का पहला स्टेशन बना है। अब ये क्यों बना है? क्योंकि ये स्टेशन अब इको फ्रेंडली हो गया है, इसीलिए इसे ISO सर्टिफिकेट मिल गया है। अच्छा, ISO इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? ISO की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। क्या है फुल फॉर्म? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। अब ये मैसूर कहां है?
मैसूर है कर्नाटका में, कहां पे है कर्नाटका में, तो आप मैप में देख लीजिए ये है कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल क्या है, बैंगलोर। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर कौन है, एच डी कुमारस्वामी। और कर्नाटक के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है, बजुभाई वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा एवं एरोस्पेस प्रमुख बोइंग ने किसे अपना एमडी बनाया है, तो बोइंग के आपने एरोप्लेन देखे होंगे, बोइंग कंपनी का नाम आपने सुना होगा, बोइंग के अब नए एमडी बन गए हैं सुरेंद्र आहूजा, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, ये इंडियन नेवी के अधिकारी रहे सुरेंद्र आहूजा और अब ये बोइंग के नए एमडी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके कार्यकाल में 2 साल का विस्तार किया गया है, तो अभी नीति आयोग के जो हमारे सीईओ हैं अमिताभ कांत, इनका कार्यकाल एक्सटेंड कर दिया गया है, इनको 2 साल का एक्सटेंशन दिया गया है, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, ये है अमिताभ कांत, ये प्रेजेंट टाइम पे नीति आयोग के सीईओ हैं और अब इनका कार्यकाल 2 साल और बढ़ा दिया गया है। अच्छा, ये नीति आयोग के सीईओ हैं तो नीति आयोग के बारे में आपको बताता हूं, नीति आयोग में जो नीति है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री, यानी कि नरेंद्र मोदी जी प्रेजेंट टाइम पे नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, राजीव कुमार, और नीति आयोग के प्रेजेंट टाइम पे सीईओ तो यही है अमिताभ कांत, इनका कार्यकाल 2 साल बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फेलिसियानो लोपेज और किसने मिलकर क्वींस क्लब चैंपियनशिप डबल्स खिताब जीता है, तो अभी फेलिसियानो लोपेज और एंडी मरे ने मिलकर क्वींस क्लब चैंपियनशिप डबल्स खिताब जीता है, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, ये हैं एंडी मरे और फेलिसियानो लोपेज, इन्हीं दोनों ने मिलकर क्वींस क्लब चैंपियंस डबल्स खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन के प्रमुख कौन बने हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अभी संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन के प्रमुख बन गए हैं क्यू डोंगयू। कौन है, क्यू डोंगयू, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, ये हैं क्यू डोंगयू, ये चाइना के हैं और ये अभी यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख बने हैं, तो इनका नाम आपको याद कर लेना है। अच्छा, यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1945 में, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, रोम में, और रोम कहां पे है, इटली में, और UNFAO यानी कि यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अब प्रमुख तो यही बने हैं क्यू डोंगयू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 32वें अंतरराष्ट्रीय बीज परीक्षण संघ कांग्रेस की मेजबानी की है, तो अभी तेलंगाना ने 32वें इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन कांग्रेस की मेजबानी की, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1924 में, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, स्विट्जरलैंड में, और इसके प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है, क्रेग मैकगिल। कौन है, क्रेग मैकगिल। अब इसकी मेजबानी तेलंगाना ने की है, तो ये है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल क्या है, हैदराबाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कौन है, के चंद्रशेखर राव, और तेलंगाना के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है, ESL नरसिम्हा। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में मॉरिटियाना के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है, तो अभी मॉरिटियाना के राष्ट्रपति के रूप में मोहम्मद औलद गजाउनी को चुना गया, यानी किस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया है। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा, मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की नंबर वन महिला टेनिस खिलाड़ी कौन बनी है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है, और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी, INDRESHRC इंस्टाग्राम पे INDRESHRC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना, आज के वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का।
तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।